भाई किसी की लड़की को छेड़ेंगे तो मम्मी बजाएंगे। मम्मी हमारे साथ पोपट हो गया। गाइस मेरा पार्सल आ गया। मैं अच्छी लग रही हूँ या फिर मैं अच्छी लग रही हूँ? सात पुत्र और एक। थैंक यू। तुम क्या बोल रही हो व्लॉग में? ये देखो मम्मी की पूजा की थाली तैयार हो चुकी है। तो गाइस वो रहा चांद, अपने छतों पर पूजा कर रहे हैं, आपको दिख रहे हैं? उम्मीद करती आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस ये जो व्लॉग होने वाला है ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है, और ये व्लॉग होने वाला है स्पेशली करवा चौथ का। हाँ जी, तो गाइस पता है मैंने ना मेहंदी भी लगाई, देख रहे हो? ऐसे क्या देख रही हो? मैंने व्रत नहीं रखा भाई, ये गलत सोच मत रखो, मैंने व्रत नहीं रखा, वो बाद में पता चलेगी। सो गाइस जैसे कि मैंने सोचा, आप लोगों को पता ही मेरे पास कोई रीजन है नहीं व्लॉग बनाने का, तो अब मेरे पास रीजन आ गया है। तो मैंने सोचा कि ना करवा चौथ का व्लॉग बना लेती हूँ, मम्मी पापा का स्पेशल डे है। सो मैंने ये करवा चौथ का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, और अभी मम्मी बर्तन धो रही है। वाली को पूछा? हाँ मेरी फ्रेंड आ रही है। ऐसा ना हो तो मन्ना कभी धोखा दे दे। नहीं नहीं, तो गाइस पता है मैंने ना स्पेशली मम्मी के लिए अपनी फ्रेंड को बुलाया है, वो 2 बजे आने वाली। कितना टाइम हो रहा है? मम्मी 1 बज गया, उसने कहा था 1:30 तक वो आ जाएगी। कल भी तो कह रही थी, वो कल भी नहीं आई। कल उससे गलती हो गई थी, वो अपनी पता नहीं कहीं चली गई थी मेहंदी लगाने के लिए। देख ले कहीं ऐसी मैं रह जाऊं फिर। नहीं, मैं हूँ तो डरने की क्या बात, मैं लगवाऊंगी मेहंदी, और नहीं लगाएगी तो मैं लगा दूंगी, जैसी भी लगे उल्टी सीधी। तो गाइस मेरी दोस्त आने वाली है, तो इतने में ना मैं ना खाना खा लेती हूँ, फिर ना मैं आपको दिखाऊंगी, अपने फ्रेंड से मिलवाऊंगी जो मेहंदी लगाएगी। हाँ पीछे ना मैं ना सर्च कर रही थी कुछ, मैंने कहा यार खाना खाते खाते टीवी देखूंगी। तो मम्मी जल्दी से काम कर लो और मुझे खाना दे दो। मेरे पास बर्तन ही बर्तन है, तू खाना ले रहे ठीक है, मैं बर्तन मान के। खाने में क्या है? झाड़ू पता था, लौकी की सब्जी, रोटी, दही ले। तो अच्छी चीज नहीं खाती ना तुझे, आलू की चाहिए। कल भी मैंने लौकी खाई थी। हाँ तो लौकी अच्छी होती है ठीक है ना, वैसे भी तुझे टट्टी लग जाती है, वैसे खाती है। मम्मी तुम क्या बोल रही हो व्लॉग में? लौकी क्या बात है, जो बात है बात है, टट्टी लग जाती है। और क्या तुझे चाहिए? समोसे, चाउमीन, बर्गर, ये चाहिए तुझे खाना? आज ही मैंने 3 पेटीज खाई है। सुनो आज ही मैंने 3 पेटीज खाई है, 2 स्ट्रिंग पी है, और बहुत कुछ खाया है, बिरयानी भी खाई आज मैंने। यार मम्मी बेइज्जती कर रही है, मैं ना आपको डायरेक्ट ना अपनी दोस्त से मिलवाऊंगी जब वो आएगी ठीक है। जब तक लिए बने रहो व्लॉग में, और कोई भी व्लॉग को स्किप मत करना, क्योंकि व्लॉग ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फाइनली आ चुकी है ये। ओ माय गॉड, सच में ये पता है जब से गई थी कि मैं आंख बंद कर आंख बंद कर, और ये मेरे चॉकलेट लाई है। थैंक यू यार, थैंक यू। तो गाइस मैं इसी के बारे में बता रही थी, ये आने वाली थी और आ गई है। तो मेहंदी लगाएगी ना? बहुत अच्छी लगेगी। मेहंदी लगाऊंगी गाइस। हाँ आपको लगवानी तो आप दिया। अभी नहीं, अभी साल। मम्मी कहाँ गए? बात मम्मी, मम्मी नहीं दिख रही यार। मम्मी नहीं है? मम्मी मैंने मना किया तो, देख मैंने बोला था, मैंने कहा मैं लेके आऊंगी। और बता आने को तो आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? खाना नहीं खाया तूने अभी? रुक जा मैं बनाती हूँ मैक्रोनी। आज मेरे हाथ की मैक्रोनी खाएगी तू। हाँ तो गाइज यहाँ पे ये पूरी तैयारी कर ली है इसने, स्ट्रिप वगैरह निकाल ली है। गाइज मम्मी ने मेरा लोअर पहन लिया नीचे, और अपना टॉप। सही है सही है। अरे बताओ इसमें कौन सी वो है, आओ बैठो। हाँ हाँ पहले वैक्स करेगी हाथों, फिर पैरों पे वैक्स करेगी ठीक है ना, बैठ जाओ। चलो तैयार हो मैम? आप मैम अच्छे से करना आप, वरना आपको तोड़ दूंगी मैं। अरे साथ मम्मी हमारे साथ पोपट हो गया। गाइस हम लोग ना इतनी देर से मतलब इसको भी ट्राई कर लिया, उसको भी ट्राई कर लिया, हम सोच रहे प्लग खराब हो गया, फिर हमने बोला कि ये खराब हो गया, क्या कहते हैं इसको, मशीन खराब हो गई। ये देखो अब पता चल रही है कि लाइट ही चली गई है। हाँ मेरा पार्सल, वाओ मैं कोई ये जो पार्सल शायद मेरा शायद अभी तो नहीं आ सकता भाई, मुझे लग नहीं रहा मेरा नहीं हो सकता। रुक जा ही रे, पूछो किस नाम से। मेरा तो नहीं हो सकता, मेरा ही है शायद से, मेरा ही है तमन्ना। हाँ गाइस गाइस मेरा पार्सल आ गया, मेरा नाइट सूट आया है इसमें, वो जो प्रमोशन करना है। क्या मिली गिफ्ट मंगा देती?
अजी हाँ इनके लिए गिफ्ट मंगा दूं मैं। सामने से मत दिखाना मम्मी, सामने से मत दिखाओ। आ जाओ आ जल्दी, नजर मत लगाना, आ जल्दी। कैसी लग रही हूँ मैं मेरे नाइट सूट? तुम ना बहुत प्यारी लग रही, तेरी कसम। गाइस कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है मेरा नाइट सूट। अगर आपको भी चाहिए ना तो मेरी इंस्टाग्राम पे देखना, यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा मैंने, तो मुझे सब आ रही है। गाइस देख लो, इनका शर्म आ रही है, मेहंदी लगवाने में शर्म नहीं आती हाँ। चलो जब तुम मेहंदी लगवाना होगी, जब लगाओगे दिखाऊंगी मतलब। तो गाइज मेहंदी लगनी स्टार्ट हो चुकी है, अब सोनिका मेहंदी लगा रही है। हैं वैक्स हो गई, मेहंदी लग रही है अब, पैरों पे भी लगेगी हाथों पे भी। अब भाभी देख रही है कैसे मेहंदी लगा रही है, ये देखो कितनी गौर से देख रहे हैं, ये इतनी मेहंदी लगी है। और देखो इतने में ही ये लोग कोल्ड ड्रिंक पीने लग गए हैं, और जबकि कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पी रही हूँ, मैं नहीं पी रही हूँ, मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रही हूँ। बहुत प्यारी, जब लग जाएगी जब इसका लुक देखना मेरे को, तो आती नहीं क्या क्या कर रही है, किस्मत खराब है। हमें लग गई भूख, रास्ते में चलते चलते हमें लग गई भूख, रास्ते में चलते मेहंदी लगाते लगाते हमें लग गई भूख। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ये देखो चावल और कोल्ड ड्रिंक मेरी, ये भी चावल खा रही है। मैं तो कोल्ड ड्रिंक विद चावल और मिर्च का अचार, टेस्टी लग रहा है ना मम्मी? कैसे लग रहे हैं? बहुत टेस्टी, अच्छा लग रहा है ना गाइस? मैंने बनाए थे चावल ही, भूख और मिर्च लगते हैं। तो गाइस फाइनली मेहंदी हो चुकी है, मेहंदी दिखाऊं? ये देखो, सॉरी यार मैंने अपनी मेहंदी दिखा दी, दिखानी मम्मी की, मैंने अपनी दिखा दी। तो देखो चलो मैं आपको मेहंदी दिखाती हूँ, बट नजर कोई भी मत लगाना, पहली बोल दे रही हूँ, ठीक है ना? सब तारीफ जरूर करना मम्मी की मेहंदी की। 3, 2, 1 ये देखो गाइस कितनी प्यारी मेहंदी लगी है मम्मी की, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ये रही मम्मी, ये रहे पापा। बहन तूने मेरे पापा को इतनी ऊपर बना दिया है, तेरे पापा की हाइट ज्यादा ना मेरे, हाँ पापा की हाइट लंबी है इसलिए, और मम्मी की हाइट थोड़ी छोटी है तो इसलिए मम्मी ने नीचे कर दिया। वो बेटी ने बहुत मेहनत की, हाँ सोनिका ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। तो गाइस यहाँ से दिखाती हूँ मैं, ये देखो वैसे ले ली हूँ, अभी आ जाएगा। गाइस आपको पता है हमारे ब्रूनो की गर्लफ्रेंड है, बट उसके घर वालों ने इसमें बजा दिया बहुत बुरा, क्या कर सकते हैं भाई, किसी की लड़की को छेड़ेंगे तो मम्मी बजाएंगे और क्या। तो इसकी गर्लफ्रेंड भी इसके लिए फास्ट रखेगी, वो भी मेहंदी लगवा रही होगी। तो अब सोनिका जा रही है गाइस, अभी सोनिका भाभी की मेहंदी लगाएगी। ये नहीं मतलब इसका भी नाम सोनिका है, उनका भी नाम सोनिका है, तो ये ना अभी भाभी की मेहंदी लगाएगी फिर जाएगी, है ना? थैंक यू सो मच यार मेहंदी लगाने के लिए, थैंक यू सो मच। मम्मी आज तो मजे आ गए तुम्हारे, है ना? मुझे भूख भी लग रही बहुत तेज, चावल खा ली। मैं गाइस ये देख लो, मैं ना अभी उसको छोड़ के आई हूँ सोनिका को, ठीक है? और मैंने यहाँ आके देखा तो यहाँ चाय बन रखी है और समोसा ला रखा है, पता है कौन? ये लेके आया समोसे, कोचिंग से आया था जब। कितने लाया? 5 समोसे, हम तो 4 है, हम तो 4 लिए, बेचारा अंदर रह गया ना। तो अब हम खाएंगे चाय और समोसे, मुझे तो अब गर्मी लग रही है गाइस। भाई ना ऑफिस से आया, उसके ड्रामे देख लो अभी से ही, ये देख रहे हो इसको? क्या हुआ मम्मी, इसको देख रहे हो तुम? ओ ओ ओ, शिकायत कर रहा है, हमने इसके साथ पता नहीं क्या किया जो ऐसे कर रहा है, ये गोदी में जाएगा ले, देख रहे हो? ये देखो मम्मी का फाइनल लुक, मम्मी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। और साड़ी तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है आज, हाँ। और पता है आज ना मम्मी को 4 लोगों ने टोका है कि भाई साड़ी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ पता है मम्मी ना बहुत सिंपल ही रहती, देखो मम्मी ने कुछ भी नहीं कर रखा, बस लिपस्टिक लगाई है और कुछ भी नहीं। मम्मी को मेकअप पसंद नहीं, मेरे को भी मेकअप पसंद नहीं, हाँ ब्लीच कर ली थी इन्होंने बस, दोनों को ही मेकअप पसंद नहीं, सेम। गाइस कमेंट में जरूर बताना मम्मी कैसी लग रही हैं, और मुझे ही बता देना मैं कैसी लग रही हूँ आज। मम्मी मेरी दिखा दो, ये देखो मैंने बाल भी बांध दिए मैंने, कोई नहीं। तो गाइस ये मैं कैसी लग रही हूँ बताना जरूर कमेंट में, मैं अच्छी लग रही हूँ। एक सेकंड,
मम्मी। तो गाइस कमेंट में जरूर बताना कौन अच्छा लग रहा है, मैं अच्छी लग रही हूँ या फिर मैं अच्छी लग रही हूँ। ऑप्शन है आपके पास, मैं या मैं। तो चलो फिर मिलेंगे हम चांद पे, ठीक है, ऊपर छत पे। गाइस हमारी भाभी भी आ चुकी हैं तैयार होके। मम्मी तो अभी चूड़ी पहन रही हैं जब से, क्योंकि मम्मी ने काम वाम किया ना सारा, इसलिए आ जा हैं। मैं पढ़ूंगी अभी, वो भी आएंगी जया भाभी मम्मी, वो भी आने वाली है। मिष्टी मिष्टी अब इसमें से निकाल लो, पापा निकाल देंगे और क्या। ये हमारी भाभी आई है अब, चुन्नी वुन्नी ओढ़ के 4:30 बजे करेंगे अब, बता इतनी लेट। हाँ अब दोबारा बैठेंगे। पापा मम्मी की चुन्नी निकाल दो, वो जो वो है शादी वाली जो चुन्नी नहीं है वो निकाल दो। इनकी अपनी बातचीत चल रही है कि रात को क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। इधर भी देख लो कोई मुझे चाय पीते हैं। टेस्टी बनाई है, मैंने बनाई है ना, है ना। नहीं इस ओ वो तो रो गई। इनकी भी कहानी सुना दी मैंने, ये भी पैर छू रही है। मम्मी भाभी ने इनके पैर छुए और भाभी ने तुम्हारे पैर छुए। मामी मैं इनको भाभी कहती हूँ भाई। बुआ बन जाऊ मैं, है के महानस्ती सुकट्टो। मम्मी मम्मी ये क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा, जो वो करावा बदला जाता है एक दूसरे का। अच्छा तो गाइज अभी ना मम्मी और भाभी ना करवे बदल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये करवे बदले जाते हैं, 7 बार होगा ये, और भाभी का करवा मम्मी के पास आ जाएगा, मम्मी का भाभी के पास चले जाएगा। तो गाइज ये देखो मम्मी ने खाना भी बना लिया। मम्मी क्या क्या बनाया आज खाने में? ये थाली किसकी है, मेरी? नहीं तेरी नहीं, पूजा हो गई। अच्छा मटर पनीर की सब्जी और बनाई है। अच्छा खीर बनाई है, खीर भी है, वाह मैं खीर खाऊंगा। और हलवा बनाया इसके ऊपर सूजी का पीस के। अच्छा और क्या बनाया है? ये चावल सब्जी के साथ। हाँ रोटी बनाओगे ना? नहीं पूरी। हाँ सही है पूरी सही है फिर। हाँ सो गाइस फाइनली चांद निकल गया और मम्मी ने अपनी पूरी पूजा की थाली ना तैयार कर ली। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो मम्मी की पूजा की थाली तैयार हो चुकी है, और बाकी सीन मैं आपको छत पे दिखाऊंगी। पापा आने वाले हैं अभी, पहले मम्मी पहुंचेंगी ऊपर। तो गाइज ये देखो सब ना अपने छतों पर पूजा कर रहे हैं, आपको दिख रहे हैं वहाँ पे वो दो, ठीक है, और उधर भी हैं बहुत सारे, यहाँ पे भी बहुत कर रहे हैं, दिए जल रहे हैं हर जगह। तो गाइज चांद वो रहा, मैं आपको दिखाती हूँ। सर पापा ये पकड़ना करा, इसके लिए पकड़ो। तो गाइज वो रहा चांद, और मम्मी अभी जल दे रही हैं, ये तुलसी माता पे वो चढ़ाई है माला, और मम्मी अब जल देंगी। गाइस आप भी बताना आपके यहाँ भी ऐसी होता है क्या? अब पापा को देखो हमारे। इधर आ दो, यहाँ पे ना वो आ रही है तार। सो गाइस फाइनली पूजा कंप्लीट हो चुकी है और चांद भी निकल आया है, और अब हम सबको लगी बहुत तेज भूख, तो हम सब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। सो गाइस आप लोग भी खाना खा लो, आज दिखाती हूँ। ये देखो सब लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। सो गाइस आप सभी को हम सबकी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मत भूलना। सरप्राइज नहीं बोलते, सब्सक्राइब बोलते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, सी एंड टेक केयर।